अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि यस हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। दोस्तों जब भी मेंटेनेंस केस की बात होती है तो एक ही पिक्चर एक ही सिनेरियो सामने आता है कि वाइफ मेंटेनेंस के लिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए केस करती है, कोर्ट मेंटेनेंस को फिक्स करती है और हस्बैंड को मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस पे करना पड़ता है वाइफ को, क्योंकि वाइफ के लिए बहुत सारे लॉ बहुत सारे लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं जहां पर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, जैसे कि 125 CRPC है, DB एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट भी है। तो इन सभी में वाइफ इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने हस्बैंड से। लेकिन आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक के ऊपर है कि क्या हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें कि वो इंटरिम मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी वाइफ से क्लेम कर सकता है, और यदि वो क्लेम करता है तो क्या कोर्ट उसको ये रिलीफ ग्रांट करेगी, क्या कोर्ट वाइफ को डायरेक्शन देगी कि वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करे। आज का वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ ही मैं आपको एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपका उसका एप्रोप्रिएट सोल्यूशन बता सकूँ। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेयर जजमेंट है, इम्पॉर्टेंट आपको इसी एस्पेक्ट से पता लग जाएगा क्योंकि इसमें कोर्ट ने वाइफ को डायरेक्शन दी है कि वो हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करे। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर किया हस्बैंड के फेवर में, वाइफ को मेंटेनेंस पे करने के ऑर्डर हैं, वो भी 3000 रुपीज़ पर मंथ। और क्योंकि पिछला एरियर पेंडिंग हो गया था काफ़ी, तो इस वजह से कोर्ट ने जहाँ पर भी वाइफ काम करती थी तो वहाँ पर उनको ऑर्डर दिया है कि वो 5000 रुपीज़ पर मंथ उसकी सैलरी में से डिडक्ट करें क्योंकि हस्बैंड के पेंडिंग एरियर्स देने हैं। तो ये जजमेंट है, इसके हम फैक्ट्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को मिस ना करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए केस के फैक्ट्स ये हैं कि हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई 1992 में, इसके बाद भी उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं थे जिस वजह से वाइफ ने डाइवोर्स का केस फाइल किया हस्बैंड के खिलाफ, और ये डाइवोर्स का केस चला और सन 2015 में कोर्ट के द्वारा उनको डाइवोर्स मिल गया क्योंकि डाइवोर्स केस फाइनल हो गया था। तो यानी कि 2015 में दोनों को डाइवोर्स मिल गया कोर्ट के थ्रू। उसके बाद क्योंकि अब वो एक्स हस्बैंड बन गया तो एक्स हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन डाली कोर्ट में अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इस वजह से उसने अपनी वाइफ से मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी क्लेम करने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई। उसका ये क्लेम था कि क्योंकि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी हेल्थ उसको कहीं अलाउ नहीं करती काम करने को, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, साथ ही उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और साथ में उसने ये भी कहा कि उसकी वाइफ काफ़ी पढ़ी लिखी है, MA है, BEd है, और उसकी एक जॉब भी है जो कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में काम करती है तो उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो इस वजह से वाइफ उसको मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी दे। इसमें वाइफ का डिफेंस यही था कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि अब वो डाइवोर्स्ड हैं, उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से उसने ये लीगल पॉइंट उठाया कि हस्बैंड तो पहली बात है कि क्लेम कर ही नहीं सकता और साथ में क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है तो इस वजह से भी ये मेंटेनेबल नहीं है। अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और कैसे इसका निर्णय दिया। देखिए कोर्ट ने सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को डिटेल में एक्सप्लेन किया इस जजमेंट में। उन्होंने कहा कि सेक्शन 24 में कोई भी यानी कि पति हो या पत्नी हो, कोई भी मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी क्लेम कर सकता है, क्योंकि बाकी हम देखें यदि सेक्शन 125 CRPC है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो उन सभी में केवल और केवल महिला यानी कि वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन सेक्शन 24 की लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं तो उसमें ईदर ऑफ द पार्टी यानी कि वो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 25 का भी रेफरेंस दिया कोर्ट ने, क्योंकि वाइफ ने ये पॉइंट उठाया था कि वो अब डाइवोर्स हो चुका है और रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 25 की अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उससे क्लियर होता है कि सेक्शन 24 की एप्लीकेशन डाइवोर्स के दौरान, डाइवोर्स से पहले या डाइवोर्स के बाद लग सकती है।
तो इन दोनों को प्रोविजंस को देखते हुए हस्बैंड की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ किया गया। इस केस में अभी इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड किया है कोर्ट ने, अभी परमानेंट एलिमनी का क्वेश्चन डिसाइड होना है। तो क्योंकि ये केस मेंटेनेबल था तो इस वजह से कोर्ट ने पत्नी के ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस बांधा जो कि उसने अपने हस्बैंड को देना है। कितना मेंटेनेंस बांधा वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस केस की साइटेशन मैं आपको बताता हूँ, साइटेशन है भाग्यश्री वर्सेस जगदीश और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, फरवरी 2022 का लेटेस्ट और रेयर जजमेंट है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि यस हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, उसके पास प्रोविजन है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का, जहाँ पे जाकर के वो इंटरिम मेंटेनेंस मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी अपनी वाइफ से क्लेम कर सकता है। सिर्फ उसको प्रूव करना है कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसके स्पाउस यानी कि पत्नी हो चाहे एक्स वाइफ हो, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसको दे सकती है, वो उसको मेंटेन कर सकती है। तो ये चीज़ प्रूव करनी है तो हस्बैंड को मेंटेनेंस ज़रूर मिलेगा, कोर्ट उसको ये रिलीफ ज़रूर देगा। और रही बात की रिलेशनशिप का, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आपका डाइवोर्स हो चुका है, आप सेक्शन 24 में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो आज का ये वीडियो था, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बार ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।